हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिंग हब्स। मेरा नाम है अंजलि। आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही कम समय में अपने यूट्यूब के चैनल के लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को पूरा देखना। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। उससे आपको आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद वहाँ पे canva.com टाइप करेंगे। canva.com टाइप करने के बाद canva.com की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा। इसमें आपको काफी सारे डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे काफी सारे डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप जो चाहे यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि एकदम फ्री है। आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसके बाद आप canva.com को यूज कर सकते हैं एकदम फ्री में। तो उसके बाद क्या करना है, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, आपको क्रिएटिव डिजाइन में जाना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल, लोगो, पोस्टर, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट। इस तरीके से इसमें काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो अभी हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है, तो हम यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देंगे। तो आपको क्या करना है, अपने लिए एक टेम्पलेट छांटना है। जैसे मैंने ये टेम्पलेट छांट लिया, ये एकदम फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हैं, तो काफी सुंदर लग रहा है। अब इसमें क्या करना है, अपने टॉपिक का नाम लिखना है, ठीक है। इसमें अपने टॉपिक का नाम इसको सेलेक्ट कर लो पहले, उसके बाद अपने टॉपिक का नाम लिख सकते हैं इसमें। जैसे मैं लिखती हूँ कोचिंग हब, ठीक है। मैंने इसमें अपने टॉपिक का नाम लिख लिया, और नीचे भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ऐड करना है टॉपिक वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, कोचिंग हब को, सिर्फ कोचिंग हब को सेलेक्ट करके आप जाएंगे, दिख रहे टॉप पे टेक्स्ट कलर करके आ रहा है, आप इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। और ऐसे नीचे भी आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, और डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। आप इसकी लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो अच्छी लगती है वो लैंग्वेज आप यहाँ से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक सिंपल थंबनेल है, इसे आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपलोड कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा चाहिए तो। पर अगर आपको थोड़ा प्रोफेशनल चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इसे डिलीट कर दो सारा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, एलिमेंट्स पे जाओ। एलिमेंट्स पे जाने के बाद आपको शेप में जाना है, और जो भी शेप आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो वो शेप आप यहाँ पे क्रिएट कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे शेप को क्रिएट कर लोगे। अब आपने यहाँ पे शेप क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको टेक्स्ट पे जाना है और टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और एक ऐड अ हेडलाइन यहाँ पे इसके ऊपर रख देना है, और उसके बाद अपना जो भी टॉपिक है इस पे टाइप कर सकते हैं आप। जैसे मेरा है कोचिंग हब, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे टाइप कर लिया, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। आप इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको इसका बैकग्राउंड कुछ और रखना है तो आप इसको उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। अब क्या करना है, इसमें आपको एलिमेंट्स पे जाना है, और आप और भी अटैच कर सकते हैं इसी तरीके से। आपने ये अटैच करा, यहाँ पर रख दिया, आपको जिस तरीके से बनाना है आप यहाँ पे अच्छे से बना पाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर जाके लेफ्ट साइड में जाके टेक्स्ट पे क्लिक किया और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद टेक्स्ट को इसके ऊपर रख दिया और यहाँ पे अपना टॉपिक टाइप कर दिया, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे लिखना है लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक एंड सब्सक्राइब, और यहाँ पे लिख दिया कोचिंग हब। इसका भी बैकग्राउंड कलर आप सेम ऐसे चेंज कर सकते हैं जैसे आपने अभी किया था,
तो आपको क्या करना है, इसे टेक्स्ट पे जाना है और ये लिख के इस तरीके से आप इसको अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ऐसे कर दिया। अगर आपको, और ये जो बने हुए हैं इनको आप किनारे पे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखिए, ये एक सिंपल आपका बनके तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा और इफेक्टिवनेस लाने के लिए आप क्या करेंगे, एलिमेंट्स पे जाएंगे, रेक्टेंगुलर एक ऐसे शेप, कोई भी शेप आप ऐसे चूज कर सकते हैं। फिर आपको इसको एडजस्ट करना है, उसके बाद आप इसका एंगल चेंज कर दो थोड़ा सा, लाइक ऐसे रख दो, इस तरीके का एंगल रख के उसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाओ और ऐसे कर दो। अब आप जो भी क्या करने में लगे हुए हैं तो भी मैं बताती हूँ, इसका कितना अच्छा यूज है आपके लिए। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये देखिए, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और टॉप साइड पे आपको ट्रांसपेरेंसी में जाना है और ट्रांसपेरेंट करना है इसको। ठीक है, आप इसे ऐसे करके ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये एक इतना अच्छा इफेक्ट लेके आता है आपके थंबनेल पे और आपका थंबनेल काफी खूबसूरत लगता है, इससे बहुत ही ब्यूटीफुल थंबनेल लगता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, काफी अच्छा लगता है ये। और अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको फोटो ये नहीं चाहिए सपोज, तो आप इस फोटो को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपने फोटो डिलीट कर दी, उसके बाद आप फोटोज पे जाएंगे लेफ्ट साइड में और यहाँ पर से जो भी फोटो आपको पसंद है वो आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये फोटो चाहिए तो मैं इस फोटो को यहाँ पर अटैच कर दूंगी। ऐसे करके आप यहाँ पे फोटो अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, ये फोटो अटैच हो गई है। तो आप ऐसे भी फोटो अटैच कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई फोटो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे अपलोड्स में जाएंगे और जो भी फोटो आपको यहाँ पे अटैच करनी है वो आप अपलोड्स में जाके अटैच कर सकते हैं। सपोज मुझे ये अटैच करना है, ये फोटो मैंने डाउनलोड कर ली पहले, फिर उसके बाद मैं इसे यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक थंबनेल बना सकती हूँ, काफी प्रोफेशनल थंबनेल है और इसे मैं अपने चैनल के लिए यूज भी कर सकती हूँ, काफी सुंदर लग रहा है। और इसमें क्या करना है, आपको राइट साइड पे जाना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। ये आपका डिजाइन प्रिपेयर हो चुका है, अब आपको इसको आपके कंप्यूटर में ये सेव हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं अपने पीसी पे जाके शो इन फोल्डर करके आपको ये दिखाई देगा। तो ये आपको अपने पीसी पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, काफी सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब के लिए काफी अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं।